Welcome student, welcome to our channel Royal Classes. Last time आप लोगों ने हमारी last video में देखा था charges के बारे में, charges की properties के बारे में, मतलब हमने charges के basics के बारे में पढ़ लिया था. Conservative, quantization, सबको याद आना ना क्या क्या पढ़ा था. जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज लास्ट वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद का जो है हमारे पास वो आज हम पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग. हमारा आज का टॉपिक, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कूलम्स लॉ. आज हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ के बारे में. आपने सबसे पहले देखा चार्जेस क्या है, फिर देखिए चार्जेस की प्रॉपर्टीज, चार्जेस का फॉर्मूला. अब ये कूलम्स लॉ भी आपको चार्जेस के बारे में ही बात देता है. क्या देता है इसने, क्या किया कूलम्स ने. कूलम्स एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में बात की, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है. तो उसने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था. किन दोनों के बीच में, किसी भी दो चार्जेस के बीच में. क्या देखा हमारे कूलम्स ने, कूलम्स ने देखा कि जैसे ही हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, उसके बाद उसने कूलम्स लॉ ने किसके बारे में बात की, चार्ज के इंटरेक्शन के बारे में. इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, या फिर हम बोल सकते हैं इस वर्ड को इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस के बारे में देखा. और उस इंटरेक्शन को देखने के बाद उसे पता चला कि दो चार्जेस के बीच में हमेशा क्या एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है. ठीक है, क्या बोला उसने, एक चार्ज लेट अस सपोज Q1 चार्ज है ये, दूसरा चार्ज Q2 चार्ज. इन दोनों के जब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखा तो वो हमारे पास क्या था, आ तो बोला किसी भी दो चार्जेस के बीच में हमेशा क्या एग्जर्ट होगा, फोर्स एग्जर्ट होगा. तो उसने कई सारे चार्जेस के बारे में पढ़ा, ओवरऑल बाद में कंक्लूजन क्या आया कि उसका जो लॉ है कूलम्स लॉ, हमेशा पूछा जाएगा कूलम्स लॉ किस चीज पे एप्लीकेबल हो रहा है. तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है बिटवीन पॉइंट चार्जेस. कूलम्स लॉ ने जो ये बात कही कि किसी भी दो चार्जेस, किसी भी चार्जेस के बीच में फोर्स होगा, वो किस चार्जेस के बारे में उसने बात की, पॉइंट चार्जेस के बारे में. उसने एक ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे चार्जेस के बारे में बात किया विच आर नोन एज पॉइंट चार्ज. अब आ रहा है पॉइंट चार्ज का मतलब सबके माइंड में होगा चार्ज मतलब जो छोटा है, ऐसा नहीं है. चार्ज जो एज कंपेरिजन टू देयर डिस्टेंस, उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर चार्ज कम है, वो चार्ज बहुत बड़ा भी हो सकता है 10, 15, 20, ऐसा नहीं है सिर्फ 0 point something वाले लेने, तो उन चार्जेस को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट चार्जेस. ठीक है, पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस है जिनका डिस्टेंस जो है एज कंपैरिजन टू उसके साइज के क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. तो पॉइंट चार्ज मतलब हमेशा जो कूलम्स लॉ ने बताया वो सिर्फ किस चीज के बारे में बताया, बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस. कूलम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको साथ साथ, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा सिर्फ किस चीज के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए. अब क्या बोला उसने कूलम्स लॉ ने, कि बोला अगर कोई भी दो चार्जेस प्लेस है किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में हमेशा क्या लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा. और वो फोर्स उसने क्या बोला, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस. जो दो चार्ज हम लेके चल रहे हैं उनके प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के इक्वल क्या होगा, उसका फोर्स होगा. पहली बात उसने बोल दी दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. किसने बताया ये सब आपको, कूलम्स लॉ ने. कूलम्स लॉ ने सबसे पहली बात बता दी कि पॉइंट चार्जेस पे उसका लॉ लगेगा. दूसरी चीज उसने बताई दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2. अगली चीज उसने बता दी दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसको कह सकते हैं 1/r², या फिर सीधा बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. पहली चीज क्या बोल दी, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. पहली चीज उसने बोली दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस.
एंड सेकेंड चीज उसने क्या बोली कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इनका डिस्टेंस निकाल देंगे और उन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर करके जो हमारे पास आ जाएगी आर की वैल्यू, फोर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? आर स्क्वायर के. तो पहली चीज क्या थी कि क्यू वन क्यू टू के प्रोडक्ट. दूसरी चीज आई 1 बाय आर स्क्वायर के, मतलब उनके डिस्टेंस के बीच के स्क्वायर के. फिर तीसरी चीज उसने बताई जो फोर्स एक्ट होगा वो हमेशा होगा फोर्स इज एक्टिंग अलोन द लाइन ज्वाइनिंग. जो लाइन ज्वाइन कर रहा है हमारे पास सेंटर्स को उसी हमारा जो फोर्स है उसी डायरेक्शन में यार कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा सेंटर ऑफ द चार्जेस. ये बात हमें किसने बता दी? कुलम्स ने. कुलम्स ने हमें तीन चार बातें बताई. पहली बात बताई फोर्स हमेशा एक्ट होगा पॉइंट चार्जेस के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा क्यू वन क्यू टू के. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव में भी रिपल्सिव. अगर ये दोनों क्या है क्यू वन क्यू टू? लाइट चार्जेस है. सबने पढ़ा था लास्ट में लाइट चार्जेस है तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. और अनलाइट चार्जेस है तो वो क्या कर देंगे? अट्रैक्ट कर देंगे. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, और फोर्स एक्ट कहां पे हो रहा है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस. अब इन सबका एक कंक्लूजन, एक मेन चीज बना दी, मतलब इसका फॉर्मूला बना दिया दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाय में आर स्क्वायर. मेन थिंग सबको इकट्ठा करके उसने लिख दिया दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाय में आर स्क्वायर. अब जहां पे भी हमारे फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल वर्ड आता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस प्रोपोर्शनल को हटाकर हमेशा किसी ना किसी कॉन्स्टेंट की हेल्प ले लेते हैं. तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे? एक कॉन्स्टेंट की हेल्प लेंगे जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा? के. के को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? कॉन्स्टेंट. के इज अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, के हमारे पास क्या है? कोई ना कोई कॉन्स्टेंट है. फोर्स के रिलेटेड है तो इसको आप ये भी कह सकते हैं इट इज अ फोर्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो फोर्स कॉन्स्टेंट आ गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के क्या ले लेना है? के स्मॉल के क्यू वन क्यू टू बाय में आर स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ गया? कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ ने सबसे पहले बताना है इट गिव्स द इंट्रैक्शन ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पॉइंट चार्जेस, फिर ये सब बताया एंड लास्ट में कंक्लूजन दे दिया दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के क्यू वन क्यू टू बाय में आर स्क्वायर. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? इस के बारे में. अभी तक हमने इसको कॉन्स्टेंट बोला, इस कॉन्स्टेंट की क्या वैल्यू है, क्या हमारे पास इसकी वैल्यू बता दें. तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है क्या? एफ इक्वल्स टू फोर्स का फॉर्मूला आ गया के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. क्या फॉर्मूला आ गया एफ का? के क्यू वन क्यू टू बाय में आर स्क्वायर. के हमारे पास क्या है? एक कॉन्स्टेंट है, फोर्स कॉन्स्टेंट जिसको हमने नाम दे दिया. क्यू वन क्यू टू हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस थे और आर इनके बीच का डिस्टेंस था. अब बात कर रहे हैं इस फोर्स कॉन्स्टेंट की. इस फोर्स कॉन्स्टेंट का नाम क्या है? के. इस के की भी एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू का नाम क्या है? के इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको आपने ई नहीं बोलना है. ये क्या है आपके पास? एक नई चीज है. इसको हमेशा दो तीन बार बोलोगे आपके मुंह से भी आ जाएगा. क्या है ये? एप्सिलॉन. क्या बोल रहे हैं इसको? एप्सिलॉन. ई नहीं है. वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नोट लगाया क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? एयर की फ्री स्पेस की. जो हमारे पास यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार्जेस जो प्लेस है वो किसमें प्लेस है? फ्री स्पेस. फ्री स्पेस ले लीजिए, एयर ले लीजिए. के डिपेंड करता है मीडियम पे. कैसे करता है अभी हम फर्दर देख रहे हैं, बट अभी हम क्या याद करेंगे कि के जो है एक फोर्स कॉन्स्टेंट तो है बट वो कॉन्स्टेंट भी डिपेंड कर रहा है. इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. मीडियम पे क्या करेगा?
डिपेंड करेगा किसी और मीडियम में जाकर, मतलब कहते हैं ना दाल बदलू टाइप, वो है ये, किसी और मीडियम में जाएगा तो किसी और वैल्यू का दिखाएगा, इस मीडियम में आया तो ये इस मीडियम को दिखा रहा है। तो की हमारे पास क्या है, एक कॉन्स्टेंट है 1/4πε जिसकी वैल्यू है, फ्री स्पेस था, एयर था, तो हमने क्या लगा दिया एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला क्या बन गया 1/4πε नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एक नाम दे रहे हैं, दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या नाम देना है इसको, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या नाम दिया, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, k इक्वल्स टू 1/4πε0 एंड ε0 इज व्हाट, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, नाम पता चल गया क्या इसका, ε0 इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब बात आई k कांस्टेंट था, फ्री स्पेस में था, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ये फॉर्मूला आया, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 9×10⁻⁹। कितनी है 9×, ये आपको क्रम करनी पड़ेगी, 9×10⁻, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो हमें याद ही करने पड़ रहे हैं, 9×10⁻⁹। यूनिट आती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट अच्छे से याद करना, क्या इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब बोलोगे कहां से आई ये यूनिट, सिंपल सी बात है, देखिए k की वैल्यू निकालनी है आपने, तो यहाँ पे क्या हो गया एफ आर स्क्वायर बाय में q1 q2 इक्वल्स टू k। तो f क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलम्ब कूलम्ब तो कूलम्ब स्क्वायर, ऊपर गया तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, याद हो गया ना। तो क्या था हमारे पास, k इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, ε0 क्या है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू हमारे पास ε0 की भी होती है, ε0 की वैल्यू जब हम निकालते हैं फ्री स्पेस में तो होती है 8.85×10⁻²। क्या है 8.85×10⁻², न्यूटन इनवर्स, मीटर स्क्वायर इनवर्स, कूलम्ब स्क्वायर, जो आपकी k की यूनिट थी उससे जस्ट अपोजिट किसकी यूनिट हो जाती है ε0 की, और ε0 को क्या बोला जा रहा है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो ये मेन चीज याद करनी है आपने, k एंड एब्सोल्यूट, k क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, एब्सोल्यूट क्या है आपके पास, एब्सोल्यूट इज व्हाट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। यहाँ पे आपके कूलम्ब्स लॉ ने जो मेन मेन बातें आपको बोली वो सब आपने नोट डाउन कर ली, कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है, फोर्स दे रहा है, फोर्स का ये फॉर्मूला है, k की वैल्यू 1/4πε, ये SI में है, अगर कोई बोले CGS में बताइए k की वैल्यू, तो CGS में ये बहुत इजी वैल्यू है 1। ठीक है, k की वैल्यू क्या होती है CGS में 1, SI में बात करते हैं हम मेनली, तो SI में इसकी वैल्यू क्या है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। चलिए देखिए अब आगे, तो देखिए अभी तक हमने देखा कूलम्ब्स लॉ जनरली जो कूलम्ब्स ने हमें दिया, बट आपकी जो बोर्ड्स है वो क्या करते हैं इसको कुछ थोड़ा सा मोड करके देते हैं हमारे पास, क्या हमेशा कहते हैं ना फेवरेट क्वेश्चन है, वैसा ही ये बोर्ड्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है, क्या राइट डाउन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वो सिंपल कूलम्ब्स लॉ को लिखना नहीं दे रहे हैं जो आपको याद हो गया दैट के q1 q2 बाय आर स्क्वायर, वो क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सा घुमा के दे रहे हैं कि आप कूलम्ब्स लॉ को किस फॉर्म में लिख दीजिए, वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो अभी हम सीखेंगे क्या कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब वेक्टर फॉर्म के बारे में। सिंपल सबको पता है फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाय में आर स्क्वायर, यही पढ़ा हमने। अब देखिए सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया वही चीज, दो पॉइंट चार्जेस है,
पर ये दोनों पॉइंट चार्जेस क्या है हमने सपोज कर लिया सेम है, सेम है तो क्या करते हैं हमने पढ़ा है लाइक ये भी हमने मान लिया प्लस है ये भी प्लस है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं, इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है। तो छोटे छोटे बेसिक्स आपने पढ़ने जरूर है, पिछले वाली वीडियो देखकर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर वो भूल गए तो फिर ये छोटी छोटी चीजें आपको बार बार कहेंगे ये सेम चीज कहाँ से आ रही है, तो देखते रहना है सबको। तो पॉजिटिव चार्जेस थे लाइक थे तो उन्होंने क्या कर दिया एक दूसरे को रिपेल कर दिया। अब क्या हो रहा है हम कह रहे हैं लाइक हमने बोला ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वाला सेकंड के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है और सेकंड वाला फर्स्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, सिंपल सी बात है। अभी हमने यही पढ़ा है कि कोई भी चार्जेस हो कूलम्स लॉ ने बोला वो आपस में क्या लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं, तो इसने भी यही बोला कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। डिस्टेंस मान लिया हमने आर है, वेक्टर फॉर्म में लाना है तो 11th क्लास सबने हमने पढ़ी थी तो वो क्या थी वो बता रही थी पोजीशन वेक्टर के बारे में कि इसको वेक्टर में लेकर आना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इस तरफ क्या हो रहा है हमारे पास ये इसकी तरफ जा रहा है तो हमेशा क्या पढ़ते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टू माइनस आर वन, डन है आर टू माइनस आर वन। इस साइड जाएंगे इस साइड क्या हो रहा है फाइनल ये है तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही पढ़ते हैं आप लोग फाइनल माइनस इनिशियल। तो इधर क्या हो गया आर टू माइनस आर वन, इधर क्या हो गया हमारे पास आर वन माइनस आर टू, सिंपल सी बात। अब क्या करना है हमने सबसे पहले हमने फोर्स लिखना है वेक्टर फॉर्म में, सबको पता है वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए हमने 11th में पढ़ा था जब भी वेक्टर फॉर्म में किसी को भी लेकर आना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से क्या कर दीजिए उस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई। अब बात है यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है याद कीजिए हमने पढ़ा था लाइक यूनिट वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर इटसेल्फ, वेक्टर लिख दिया अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, क्या होता है यूनिट वेक्टर वेक्टर इटसेल्फ अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। सेम कहानी यहाँ पे करनी है, पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख देना है क्या है के क्यू वन क्यू टू बाय में आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू चार्जेस है स्केलर है के कांस्टेंट है तो बात किस पे आ गई आर पे, तो अब इसको लिखने के लिए हम यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे यूनिट वेक्टर से हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया इसको ले लेते हैं हम लोग आर, किस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं आर टू माइनस आर वन वेक्टर का यूनिट, यूनिट लगा दिया, यूनिट लगाने का मतलब क्या है वेक्टर इटसेल्फ अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो के क्यू वन क्यू टू ये क्या पढ़ रहे हैं एफ वन टू फोर्स फर्स्ट का सेकंड के ऊपर, तो यहाँ क्या हो गया आर स्क्वायर, इधर क्या आ गया आर टू माइनस आर वन वेक्टर अपॉन में क्या हो गया आर टू माइनस आर वन का मैग्नीट्यूड। अभी हमने देखा आर टू माइनस आर वन हो आर वन माइनस आर टू है तो सब कुछ यही डिस्टेंस तो सेम बात है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू आर टू माइनस आर वन वेक्टर अपॉन में क्या आ गया हमारे पास आर क्यूब मॉड्यूलस ऑफ, क्योंकि हम सब में क्या निकाल रहे हैं डिस्टेंस ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो ओवरऑल सब क्या है एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने इसको शॉर्टकट में क्या लिख दिया एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू, ये आ गया वेक्टर फॉर्म आर टू माइनस आर वन का वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, पहले था आर स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में आते ही क्या हो जाता है आर क्यूब हो जाता है, उल्टा लिखेंगे एफ टू वन डिफरेंस सिर्फ क्या आएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया आर वन माइनस आर टू, इधर भी क्या हो जाएगा हम इसको वेक्टर लगा दिया अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लगाने के बाद फॉर्मूला क्या बन गया के क्यू वन क्यू टू आर क्यू, बस डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गई उल्टी हो गई, उल्टी हो गई इसका मतलब यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल गया दैट एफ वन टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ टू वन, ये माइनस क्या दिखा रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में दिखाने से हमें ये बता दिया
दिया मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट. ये बात हमें कौन कहता है? हमारा न्यूटन. क्या कहता है हमारा न्यूटन? दैट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सेम बात हुई, एवरी मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट. तो सबसे मेन बात अपने यहां से एक चीज उठानी है दैट कूलम्स लो जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है. कूलम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है. और दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है कि जो फोर्स है उसका हम लोग वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर से सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए. मल्टीप्लाई करने का मतलब वेक्टर इटसेल्फ अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड निकालिए. आपके पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा और फॉर्मूला आने के बाद हमारे पास क्या बन गया? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो देखिए अभी हमने कूलम्स लॉ सिंपल पढ़ लिया, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ लिया, बट हमने पढ़ा किसके अंदर? फ्री स्पेस के अंदर. फर्दर ऑन हम क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ अगर हम किसी मीडियम में लेकर जा रहे हैं तो वो किस तरह से इसका फोर्स वेरी कर रहा है. और साथ ही साथ हमारे पास क्या आएंगे? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब जो चार्ज है अगर वो लेंथ के अलोंग लग रहा है या फिर वो अलोंग सरफेस लग रहा है, अलोंग वॉल्यूम लग रहा है, तो वो किस किस तरह से चेंज हो रहा है. तो उसको देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हमारे आएंगे इसके न्यूमेरिकल. थैंक यू.